जब बद्दुआ लगती है किसी ठेकेदार की, किसी मुलाजिम की, फिर अर्श वाला भी सुनता है इनका हशर क्या होता है। जिस रोड पे आप कुत्ता नहीं चलता है, एक्सीडेंट होते हैं, क्रैश बैरियर इनके निकल जाते हैं, पैरापेट के साथ थोड़ी सी गाड़ी छुवी निकल जाते हैं, उसमें वॉच नहीं है। वॉच उस काम पे है जो इनको पैसा न दे। डीसी साहब बड़े अच्छे, इसको तो बोलो, ये इनिशिएटिव लेता है 5 मिनट में। मैं इसके पास गया, कहता यार वानी मैंने तेरे पार्क में आना है, अब मैं कैसे वहाँ पे ले लूँ इसको, डीसी साहब को। सारा वहाँ गंद है, गोबर है, शफोड़ बैठते हैं। आप सोचें अगर डीसी साहब वहाँ जाएगा, इस एक्सचेंज ने तो बोलना हमारे पास तो था ही नहीं जनाब, ये टूरिज्म वालों के पास था। करते हैं अपनी कमीशन को क्लियर, मैं आपको बोलूं, मैं कमीशन किसी को नहीं देता हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं काम करता हूं 100%, 110%। टूरिज्म वालों ने 3 ठेकेदारों के बिल दफन कर दिया। एक और कॉन्ट्रेक्टर मौजूद है सर, आपका एक काम हुआ था जो राई में एक मशहूर पार्क बनी थी, वहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है, क्या उसकी भी यही वजह है कि पेमेंट नहीं हुई है, वो डेवलपमेंट वर्क रुका हुआ है? उस पार्क की जो एक शान थी, उस पार्क में ये कहा गया था कि इसमें टूरिज्म आएगा, उसका मैक्सिमम थोड़ा बहुत काम जो है वो रुका हुआ है, क्या यही उसकी वजह है कि बिलिंग नहीं हो रही है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आप टाइम टाइम पर हमारे पास आते हैं, हमारे मुश्किल आप आगे पहुँचाते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब पार्क का काम मैंने लगाया, अलाटमेंट मैंने ले ली, हमारे गांव में है वो पार्क, रई घाट बदरून बबोर डोडा, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि बदरवा के भी मैंने कुछ जम्मू के देखे, श्रीनगर के देखे, पुंछ राजौरी के जब वो चला तो पार्क उस दिन बहुत बढ़िया थी। पेमेंट की मुश्किलात की वजह से मैंने बीच में काम बंद रखा था, फिर ये यहाँ का लोकल आया बेचारा एक, उसने बड़ी मेहनत की, तो मैंने काम, उसने बोला भाई काम आप लगाओ, आपका जितना पैसा है, अगर और भी कुछ कहीं थोड़ा बहुत लगेगा तो मैं मैडम से बात करके, एक्सचेंज से बात करके आपको पैसा दिलाएंगे। खैर उसने बिल शिल बनाया, जब मैंने काम किया बिल शिल बनाया, उसमें लाइटें लगी हैं, उसमें व्यू पॉइंट बने हैं, आप गए हैं वहाँ पे, एसी साहब हमारे गए हैं आरएनबी के, डी एक्सीन गया है, डीडीसी चेयरमैन गया है, बीडीसी चेयरमैन गया है, तो बड़ी एक अच्छी जगह वो पार्क थी, अब लोग वहाँ आते थे। लेकिन टूरिज्म मैंने ऐसा एक डिपार्टमेंट देखा कि जब से अब ये टूरिज्म इसमें आरएनबी में आ गया है, तो पहले हमें ये पता नहीं था, बोल रहे थे भाई आ गया, तो जेई ने बोला यार जितने मैंने काम कराए मैं तेरा बिल डाल दूंगा। चेयर्स मैंने मंगवाई है 30, डस्टबिन मैंने 30 मंगवाए हैं, वो कम से कम 7-8 लाख के हैं। उसके अलावा मेरा बिल एक और है वहाँ पे 3.5-4 लाख का जो पास हुआ है। मैं एक दो बार गया, मैंने मैडम को पूछा, कहता जी हम बिल आपका फ्रेम कर रहे हैं, बाकी के भी हैं तो भेज देंगे वो, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ से हमारा बेचारा मुकेश एक है, तो उसको एसी साहब ने भेजा, एसी साहब से भी मेरी बात हो गई थी, मैंने कहा वो पार्क खुला हुआ है, वहाँ भेड़ बकरियाँ बैठी हैं, वहाँ जो भी आते हैं वो ऊपर से बकरवाल जो आते हैं घोड़े लेके, माल मवेशी लेके, वो तो पार्क आज ज़ीरो पे है, अगर आप खुद जाएँगे आप देख लेंगे पार्क में इतनी स्मेल है, वहाँ बैठने है ही नहीं। अब आप सोचें जब तक ये हैंडओवर नहीं करेंगे, उन्होंने हैंडओवर नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं हुई, वहाँ एक चौकीदार सजान का लड़का है, उस बेचारे को तनख्वाह नहीं मिलती तो वो कैसे आए? उसने बोला यार मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, मैं ऐसे ही चलता हूँ अब। उसके बाद मेरी पेमेंट थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार हमारे बिल हैं लाइट्स के हैं, और कुछ हमने टाइलें लगाई हैं, कुछ व्यू पॉइंट बकाया है मेरे, यार वो तो इसका बिल कहता नहीं, हमने जेई लगा बोलने यार फ्रेम किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे बिल भेजा, मैंने उसकी कापियाँ निकाली, फिर मैंने लड़के को भेजा, मैंने कहा यार वहाँ तो पता कर, वहाँ इसको मिला ही नहीं कोई, यहाँ भी नहीं भेजते, 11-12 लाख का बिल है वो आता ही नहीं है, जो मैंने और थोड़ा सा काम करना है किसके पास कराएँगे, वहाँ पर किसको हैंड ओवर दे देंगे, या तो आर्मी वालों को बोलें,
इसका जेई आ जाएगा वो पढ़ेगा, कोई गैंगकुली वगैरह इनके पास है किसी को तो वहाँ सेटअप करें जिससे वो साफ रहे, साफ सुथरा रहे, वो भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, जबानी पलाव है, कोई लीडर कहता है जी मैंने जी 2-1 करोड़ का टांडर, ओ भाई पहले तो पिछला पूरा करो, आपने उसको TSC नहीं है, टांडर दिए लोगों ने उसके बाद में उसको मिली, ऐसी गुंडागर्दी है, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसकी TSC नहीं होगी उसका टांडर आपने नहीं निकालना है। इन्होंने TSC के बगैर टांडर निकाला एक्सिन ने, वो किस लिए निकाला मुझे कोई पता नहीं, उसको अपनी कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो किया। बुधरवा में मैंने काम किया, ये कंप्लीट है, बिल फाइनल डाला है, 2 महीने गया वो भी कहीं डोम्स पे नहीं चढ़ता है, कितनी प्रॉब्लम है ठेकेदार, मेरी नहीं है ये सबों की बेचारों की, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं डेली एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज के पास हम डालते हैं कि भाई हमारी रोड फाइनल कर दो, मेरी एक रोड है यहाँ पे मेडिकल रोड है, यहाँ पे सर्कुलर घाट है, वो मेडिकल कॉलेज से भी मिलनी है, आगे गाँव को भी टच करेगी वो, कभी एक थोड़ा सा सिस्टम बनता, लेकिन ना आगे है ना पीछे है। 19 से मेरी अलाटमेंट है, 700 मीटर बनाई है सिंगल में मेटल करके है, ड्रेन पीछे थी गांव वालों की वो भी मैंने बनाई है, वो उयुब साहब के टाइम में मैंने बनाई है। एक्सीएन तो किसी काबिल तो होना चाहिए ना, जो पेपर्स वर्क चलाए, जो ऑफिसर से डिस्कस करे, पब्लिक से डिस्कस करे, ये तो अपनी या तो मीटिंग में, डेली मीटिंग में, मीटिंग कौन सी होती है इनको, मैं हैरान हूँ भाई, आपकी जो प्रॉब्लम है डिवीजन में है ठेकेदारों की, वो तो अपने हाई अथॉरिटी को तो बोलो, या हमारे DC साहब बड़े अच्छे इसको तो बोलो, ये इनिशिएटिव लेता है 5 मिनट में, मैं इसके पास गया कहता यार वानी मैंने तेरे पार्क में आना है, अब मैं कैसे वहाँ पर ले लूँ इसको, DC साहब को सारा वहाँ गंद है, गोबर है, शफोट बैठते हैं, आप सोचें अगर DC साहब वहाँ जाएगा, इस एक्सचेंज ने तो बोलना हमारे पास तो था ही नहीं जनाब, ये टूरिज्म वालों के पास था, टूरिज्म वाले बोले जनाब ये तो 2 महीने से ऑर्डर हमारा है, हमें तो काम बंद किया, अब इनके हाथ में इतनी फेलियर है गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि हम करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, ये लगता है इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी देखभाल तब तक ठेकेदार करेगा जब तक उसके हाथ में, जब मेरे हाथ से निकल गया फिर कौन करेगा, न JEE है, न EEE है, न SC है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इनको बोलता हूँ, कहते यार आपके बिल आए नहीं, उन्होंने बोला यहाँ है ही नहीं, वो ठहरते हैं अपनी कमीशन को, क्लियर मैं आपको बोलूं, मैं कमीशन किसी को नहीं देता हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं काम करता हूं 100%, 110%। टूरिज्म वालों ने 3 ठेकेदारों के बिल दफन कर दिए, मेरे पास MBA है, रिकॉर्ड है मेरे पास बिल है जो मैडम ने, EEE ने और JEE ने साइन करके मुझे दिए, कमीशन नहीं मिली इसलिए बिल बंद कर, कमीशन नहीं मिली, मैं क्लियर आपको बोलूँगा, हम तंग आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को जरा जाए DC साहब वहाँ देखे, वहाँ कौन थे, वहाँ EEE कौन था, एक्सचेंज कौन था, हटा दो भाई उनको, टूरिज्म से तो कहीं आर्मी में गए, नालायक तरीन है आप, पार्क के जिस पार्क को मैंने 1 करोड़ में फाइनल किया, 1 करोड़ का टेंडर और निकालते हैं ये, उसकी TSC नहीं है, इन्होंने टेंडर क्यों निकाले जब डिपार्टमेंट आर्मी में आ गया था, तो पहले तो पिछले ठेकेदार को तो भाई फाइनल कर दो, फिर पुराना बिल फाइनल नहीं हुआ है, नया टेंडर निकाला, अजीब सी बात है ये, क्या अपील रहेगी सर आपकी हायर अथॉरिटी, मेरी हायर अथॉरिटी से अपील है कम से कम जो काम ठेकेदार करता है, अगर वो काम नहीं करता ब्लैक लिस्ट कर दो, विदिन नहीं करता है, अगर डिपार्टमेंट नहीं कराता है तो जो वहाँ का मुलाजिम है, JEE है, DE है, एक्सीन है, उनको तो आप शोकॉज़ नोटिस निकालो, भाई ये क्यों नहीं हो रहा, 19 की अलाटमेंट मेरी है, 1 साल में मैंने 18 महीने मैंने कंप्लीट करना था, 5 साल हो गए, इनको मैं डॉक्यूमेंट्स मांगता हूँ, भाई मेरी डिपॉजिट है वो ही दे दो मुझे, या तो मुझे आगे काम कराओ,
इस वक्त मैं गया आज 20 को मैंने एक्सीजन को डाली है चिट्ठी, 20 से लेके आज तक मुझे बोलता है अब जी वहाँ टीम जाएगी। और जिस एक्सीजन ने चार साल में पेमेंट मुझे की है वो कोई पागल था, जाके खुद देख ले, खुद गया 2 बार या 4 बार, रोड वहाँ मैंने बनाई है, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है। जिस जो पहले एक्सीजन थे जेई थे वो नहीं थे मुलाजिम जिन्होंने मुझे पेमेंट की है। जहाँ काम ही नहीं हुए हैं, जहाँ काम ही नहीं हुए हैं आरएनबी के, जिस रोड पे आप कुत्ता नहीं चलता है, एक्सीडेंट होते हैं, क्रैश बैरियर इनके निकल जाते हैं, पैरापेट के साथ थोड़ी सी गाड़ी छुवी निकल जाते हैं, उसमें वॉच नहीं है। वॉच उस काम पे है जो इनको पैसा ना दे। अगर काम सही है कहो जरा, अगर काम सही है तो कम से कम तवज्जा तो दे दो। ये हमारा पैसा है, टैक्स हम देते हैं, पब्लिक का पैसा है, इंटरेस्ट ले लो। कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आप। अगर पब्लिक भड़क गई, क्योंकि यहाँ एलजी की इस वक्त हुकूमत है, ज़्यादा आदमी बोलता है तो शाम को चिट्ठी आती है, भाई आपने गवर्नमेंट के खिलाफ, किसके खिलाफ हम बोले? हमारे भी बाल बच्चे घर में हैं, हमने भी 4 आदमियों का देना, हम भी इज्जत वाले, हमारा भी कुछ सोचो ना, पैसा ना काम, जो काम किया वो दर बदर। वहाँ भेड़ बकरियाँ, आज बकरवाल आते हैं ऊपर से वो बैठते हैं वहाँ, देखते हैं, आप जाके देख लो वहाँ कितनी गंदगी है। मैंने खून पसीना खुद अपने हाथों से बनाया है, वो जैसे मैं जैसा कोई घर बनाता वैसे मैंने बनाया, आपने देखा भी होगा, बड़ी तारीफ़ की है मीडिया वालों ने भी वहाँ जाके ठेकेदार की। लेकिन आदमी को बड़ा दुख होता है कि जब गवर्नमेंट पहुँचेगी नहीं साइड पे, जब किसी का ना खसम होगा तो ना खुदा होगा। हमारे इलाके में पहले इतनी मार पड़ी है, अब कम से कम जो काम हुआ है जिसकी 60-70 लाख पेमेंट हुई उसको तो पहले बचा लो, ठेकेदार को पुराने को बुला के ले लो, या तो किसी को लगाओ, डेली वेजर लगाओ किसी को जो 10-12 हज़ार लेता है पे, उसको तो मेंटेन रखेगा कि नहीं रखेगा? हमें समझ ही नहीं आती है ठेकेदार पागल हो गए हैं, जो मुलाजिम है वो कहते हैं यार हमें अब खलासी होती, ऊपर वाले से हम मांगते हैं, हमें सस्पेंडरी करते, हमें डिसमिस ही करते। यार आप लोग हैं ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा यार मुलाजिम तक, जो मुलाजिम काम नहीं करते उनकी ट्रांसफर की चीफ ने, वो अभी बैठे हैं आरएनबी डिवीजन में, सब की ट्रांसफर होगी, सब एडजस्ट होगी। 2-3 आदमी हैं यहाँ पे, एक्शन उनको रिलीव ही नहीं करता है। यहाँ से चिट्ठी देता आदमी, वहाँ से लिखते हैं जी 1-2 ऐसे लफ्ज लिख रहे। 20 को मैंने डी को डाली है एप्लीकेशन, 26 है आज, 26 तक 2 लाइनें लिखनी है एक्सीन ने, वो नहीं लिख सकता है, क्या काम करेंगे ये? कुछ नहीं कर सकते ये। इनको भी बाल बच्चे, जब बद्दुआ लगती है किसी ठेकेदार की, किसी मुलाजिम की, फिर अर्श वाला भी सुनता है इनका हशर क्या होता है, ये देख लेते हैं।